स्वागत है आपका द स्टेट सेंट्रल में और मैं हूं राहुल सिंह। केंद्र सरकार का प्रस्ताव मिलने के बाद किसानों की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में वो सभी 40 संगठन शामिल हैं जो सरकार के साथ बातचीत करते आए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या किसान मानेंगे सरकार का प्रस्ताव, क्योंकि पिछली 5 बैठकों की बात की जाए तो वो बेनतीजा रही हैं। और वहीं आज के प्रस्ताव को लेकर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त 40 किसान संगठनों की बैठक जारी है। इनमें से 13 लोग वो हैं जो कल गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग में मौजूद थे। वहीं अगर आज के प्रस्ताव की बात की जाए तो यही माना जा रहा है कि सरकार किसानों की मांगें मानती नजर आ रही है। अब कुछ ही देर में पता चल ही जाएगा कि क्या किसान इस प्रस्ताव को मानते हैं, क्या वो इस प्रस्ताव से सहमत हैं या नहीं। किसानों के आंदोलन का आज 14वां दिन है। वहीं अगर अभी तक के आंदोलन की बात की जाए तो किसान जब से इस नए कृषि कानूनों को लाया गया है तब से इसके खिलाफ आवाज़ें उठाते नज़र आ रहे हैं और वापस लेने की मांग भी की जा रही है। किसानों का कहना है कि इन कानूनों से उनके हित प्रभावित होंगे। सरकार पर दबाव बनाने के लिए कल कई किसान संगठनों ने भारत बंद भी बुलाया था। किसान संगठनों का कहना है कि अगर सरकार ने कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो आने वाले वक्त में उन्हें उनकी उपज के औने पौने दाम मिला करेंगे और खेती की लागत भी नहीं निकल पाएगी। इसके साथ ही किसानों को यह आशंका भी है कि सरकार की ओर से मिलने वाली न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP की गारंटी भी खत्म हो जाएगी। अब बात आती है कि इन कृषि कानूनों में आखिर ऐसा क्या है। पहला कानून, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स 2020। इस कानून के मुताबिक किसान अपनी उपज APMC यानी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी की ओर से अधिसूचित मंडियों से बाहर बिना दूसरे राज्यों का टैक्स दिए बेच सकते हैं। दूसरा कानून है द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज। इसके अनुसार किसान अनुबंध वाली खेती कर सकते हैं और सीधे उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। तीसरे कानून की बात करें तो एसेंशियल कमोडिटीज़ कानून 2020। इसमें उत्पादन स्टोरेज के अलावा अनाज, दाल, खाने का तेल, प्याज की बिक्री को असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है। अब इसमें सरकार का तर्क ये है कि नए कानून के साथ किसानों को ज़्यादा विकल्प मिलेंगे और कीमत को लेकर भी अच्छी प्रतिस्पर्धा होगी। इसके साथ ही कृषि बाजार, प्रोसेसिंग और आधारभूत संरचना में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। और वहीं किसानों के विरोध प्रदर्शन में सबसे बड़ा जो डर उभर कर सामने आया है वो ये है कि MSP की व्यवस्था अप्रासंगिक यानी कि इररेलेवेंट हो जाएगी और उन्हें अपनी उपज लागत से भी कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। किसानों को ये भी डर है कि APMC मंडी के बाहर टैक्स मुक्त कारोबार के कारण सरकारी खरीद प्रभावित होगी और धीरे धीरे ये व्यवस्था भी अप्रासंगिक हो जाएगी। आम भाषा में कहें तो किसानों का मानना है कि ये विधेयक धीरे धीरे मंडियों को ख़त्म कर देगा और फिर निजी कंपनियों को बढ़ावा देगा, जिससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलेगा। अब इसी को देखते हुए किसानों की मांग है कि MSP को सरकारी मंडी से लेकर प्राइवेट मंडी तक अनिवार्य बनाया जाए ताकि सभी तरह के खरीदार, वो चाहे सरकारी हो या निजी, इस दर से नीचे अनाज ना खरीदें। हजारों किसान पिछले 13 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। 5वें दौर की बातचीत में केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव दिया था, लेकिन किसान नेताओं ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि सरकार तीनों कानून वापस ले, नहीं तो ये प्रदर्शन जारी रहेगा। किसानों ने केंद्र सरकार से 2-2 कह दिया है कि उनके पास राशन पानी की कोई कमी नहीं है, इसलिए वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर डटे रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो प्रदर्शन के दौरान हिंसा का रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे, लेकिन मांगे माने जाने तक संघर्ष जारी रहेगा। अब बस इंतज़ार है किसानों की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है, कि अब ये आंदोलन शांत होगा या फिर अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। फिलहाल इस पूरी अपडेट से हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।